तो भाई आप लोग बोलते हो कि सर मुझे एड ऑन रील मिल गया, वो भी कॉपी पेस्ट रील से, लेकिन अब मुझे करना क्या होगा? क्या सारी वीडियो हमें डिलीट करके फिर सेटअप करना चाहिए, या फिर हमें कोई भी वीडियो ना डिलीट करना चाहिए, या फिर हमें अपने पेज पर क्या क्या चेक करना चाहिए जिससे हमें पता चल पाए कि एड ऑन रील अप्रूव होगा या नहीं? ये क्वेश्चन लेकर बहुत सारे लोग मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे इंस्टाग्राम, और पर्सनली मुझसे कॉल करके पूछ रहे थे कि सर मुझे क्या करना होगा। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए कि आपको अगर एड ऑन रील मिल जाता है तो उसको आप कैसे सेटअप करोगे, और कौन सी रील्स आपको डिलीट करना होगा, और आपको अपने पेज पर क्या चेक करना होगा जिससे आपका एड ऑन रील अप्रूव हो जाए। बहुत सारे लोग के साथ क्या होता है कि वो तुरंत एड ऑन रील अप्रूव करते हैं और तुरंत के तुरंत ही अर्निंग रिस्ट्रिक्ट आ जाती है, अर्निंग पर रोक लग जाती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि दोस्तों आप लोग जो रील्स डिलीट करना चाहिए उसे तो डिलीट करते नहीं हो, और जो नहीं करना चाहिए वो तो आप कर देते हो। तो चलिए दोस्तों यहां समझेंगे कि एड ऑन रील को अप्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बाकी सब देखते जाना है कि आपका भाई कैसे करता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों आपने तो ये देख लिया कि एड ऑन रील के सामने सेटअप का ऑप्शन आ गया है। अगर अभी भी आपके पेज पर एड ऑन रील के सामने सेटअप को ऑप्शन नहीं आ रहा है, लर्न मोर का ऑप्शन आ रहा है, तो उसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो बना के रखी है, और अपने आई बटन पे उसका लिंक भी दे दूंगा। आप वहां क्लिक करके जाकर देख सकते हैं कि एड ऑन रील कैसे मिलेगा। अगर वो ट्रिक आप अप्लाई कर दोगे तो आपको भी एड ऑन रील मिल जाएगा। तो यहां पास जानेंगे कि इसको कैसे अप्रूव करना है। तो दोस्तों यहां पास तो आपने सेटअप का ऑप्शन देख लिया, उसके बाद होम वाले स्क्रीन पर आना है। ठीक है, होम वाले स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपना प्रोफाइल या पेज ओपन कर लेना है, जिस प्रकार मैं अपना ओपन कर रहा हूं। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद अगर यहां पर सेव का ऑप्शन आता है तो सेव कर सकते हैं, और ना सेव का ऑप्शन आए तब भी आप कुछ कर सकते हैं, जैसा आपका मन, सेव करो या ना सेव करो। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद मोर वाले सेक्शन पे आना है और रील्स वाले आइकन पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो आप जैसे ही रील्स वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास जितनी भी रील्स हैं आपको कोई भी रील्स नहीं डिलीट करनी है, सिर्फ आपको चेक करना है कि आपकी रील्स पर कौन सी रील्स पर कॉपीराइट आया है, या फिर कौन सी रील्स पर इशू आया है। अब आपको तो मालूम नहीं होगा, कुछ लोगों को मालूम होगा कि कॉपीराइट कैसे चेक किया जाता है, लेकिन आपको इस वीडियो में बता दूंगा, पिछली कई सारी वीडियो में बताया भी हूँ, लेकिन यहाँ पास भी आपका भाई बताने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, आपको कोई भी रील्स नहीं डिलीट करनी है अप्रूव करने के लिए। आपको वो रील डिलीट करनी है जिस पे कॉपीराइट हो, या फिर कोई पॉलिसी इशू आकर रखा हो, या फिर अलर्ट आकर रखा हो, तो उसको डिलीट करना है। अब दोस्तों वो अलर्ट वाली वीडियो आपको कहां से होगी वो भी आपको बता देता हूं। दोस्तों यहां से बैक आना होगा, बैक आने के बाद दोस्तों ये जो थर्ड डॉट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पास हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे वैसे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फिर यहां पास एक सपोर्ट इनबॉक्स का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो सपोर्ट इनबॉक्स वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना। ठीक है, तो यहां पास रिपोर्ट अबाउट अदर, मतलब आपने कोई वीडियो अपलोड की, किसी थर्ड बंदे ने उस वीडियो पर रिपोर्ट मार दिया, यानी आप किसी सेलिब्रिटी ऊपर कमेंट करते हो, सॉरी वीडियो बनाते हो कि ये, मतलब कि उसका लोल लेते हो या मजा लेते हो, तो अगर उसने रिपोर्ट मारी, या जिसके ऊपर बना रहे हो उसने रिपोर्ट मारी, या फिर थर्ड बंदे ने मारी, या फिर आप कोई ऐसा रील्स अपलोड कर रहे हो जो धर्म को लेकर बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, तो धर्म वाले बंदे लोगों ने रिपोर्ट मारी, जैसे कि हिंदू मुसलमान वालों ने मारी, तो यहां पास आपको रिपोर्ट अबाउट ओदर में आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पास लिख क्या रहा है, नो रिपोर्ट, मतलब आपकी रील्स पर कोई भी रिपोर्ट नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद यहां से बैक आना है, बैक आने के बाद योर अलर्ट, ठीक है, यहां पास जो योर अलर्ट लिख क्या रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नो वैल्यूएशन लिख क्या रहा है। अगर किसी के में यहां पास कुछ रील्स शो हो रही है तो आप उस रील्स को देखिएगा और जाकर वहां से डिलीट कर दीजिएगा, आपके अपने प्रोफाइल पर या पेज पर जाकर रील्स वाले आइकन से डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पास जो रील्स होगी वही आपको रील्स डिलीट करना है। और अगर कोई भी बताता है कि सारी रील्स डिलीट करके एड ऑन रील अप्रूव करो, तो भाई लिख कर ले लो कि उसमें 80% से 90% चार्ज हो जाते हैं कि तुरंत अर्निंग रिस्ट्रिक्ट हो जाए। अगर आपके पेज पर एड ऑन रील का सेटअप का ऑप्शन आ गया और सारी रील्स डिलीट कर दी, तब आपको क्या करना होगा? तब आपको कुछ नहीं, अपना फोन उठाकर ऐसे अपनी लाइव वीडियो बना लेनी होगी, या फिर रील्स वीडियो बनाकर अपलोड कर देनी होगी। रील्स
कर दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद अब बात आते हैं कि इसको अप्रूव कैसे करेंगे। तो यहाँ से बैग आते हैं, पर्सनल डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं और मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन पर मैं चल जाता हूँ। तो मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन पर जाने के बाद अब एड ऑन रील के सामने सेटअप को ऑप्शन आता है, इस पर हमें क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ एड टूल को ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पास थोड़ा ऐसे लोडिंग लेगा जिस प्रकार मेरे ले रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास टिक का ऑप्शन लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि योर टूल में एड ऑन रील आ चुका है आपके सामने, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ पास एलेबल टू सेटअप स्टार्ट का है, इस पर भी आप ऐसे क्लिक कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पास फिर सर्कल थोड़ा रहेगा, इस पर भी ऐसे सही का टिक लग जाएगा और ये भी योर टूल में आ गया। क्योंकि दोस्तों इस पर मैंने पहले से ऑलरेडी पे आउट बना के रखा था तो उसी पे आउट पर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पास क्लिक करके भी दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल सके कि एड ऑन रील अप्रूव हो चुका है, कोई भी अर्निंग रिस्ट्रिगेट नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि तुरंत के तुरंत अर्निंग रिस्ट्रिगेट हो जाती है, क्योंकि वो लोग गलती ये करते हैं कि सारी रील्स डिलीट कर देते हैं। तो भाई आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, सारी रील से डिलीट नहीं करना है, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये पास अप्रूव हो चुका है। और दोस्तों अगर पे आउट से लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपका भाई 99% देगा। तब तक की थैंक्स फॉर वॉच।